हाय फ्रेंड्स, वन कॉर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक हुई मौत से बॉलीवुड से लेकर उनके फैंस को काफी गहरा सदमा लगा है और अब उनकी फैंस को इंतजार है उनकी आखिरी रिलीज फिल्म दिल बेचारा की। फ्रेंड्स, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर को रिलीज हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और फिल्म ने अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिया है। फिल्म ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म को जहां अब तक 21 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं तो वहीं इसे 4 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक मिल चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, इस ट्रेलर को फैंस ने इतना प्यार दिया कि इसने कई बॉलीवुड स्टार्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत भले ही फिल्मी बैकग्राउंड से ना रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने काम के जरिए फैंस के दिल में एक खास जगह बना ली थी। उनके इस काम को लेकर फैंस की दीवानगी उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी दिख रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म के ट्रेलर ने बॉलीवुड की फिल्म जीरो, दंगल और सुल्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है दिल बेचारा ने। वहीं अब खबर आ रही है कि हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंड गेम, जिसके लाइक्स थे 3.2 मिलियंस, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसके लाइक्स थे 3.6 मिलियंस, उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं फिल्म दिल बेचारा ने। सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 4 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मिलकर इसे एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है जो शायद ही इसे कोई तोड़ पाए। फ्रेंड्स, दिल बेचारा में सुशांत सिंह राजपूत, संजना सांगी के अलावा सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने। यह बतौर डायरेक्टर यह उनकी पहली फिल्म है। यह फिल्म द वर्ल्ड इन ओवर स्टार्स का हिंदी एडेप्टेशन है और यह फिल्म 24 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के साथ कई बड़े सेलिब्रिटीज की मांग थी कि उनकी यह फिल्म दिल बेचारा, जो कि हमारे पसंदीदा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी, वो थिएटर में रिलीज हो, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया है। और अब जब यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है तो जिस तरह से ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रिकॉर्ड जो शायद ही पहले बॉलीवुड में बना हो। अब फैंस को उम्मीद है कि जब यह फिल्म रिलीज हो जाएगी तब ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा कि इसे कई लोगों ने, कई भारतीयों ने, यहाँ तक कि कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को बहुत प्यार मिलेगा और यह फिल्म एक बार फिर से बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज कराएगी।